तो दोस्तों भाई गर्मियों का सीज़न आ ही चुका है, तो देख सकते हो यार कितनी गर्मी हो गई है। तो गर्मियों में यार सबसे इम्पोर्टेंट रहता है गाड़ी में यार एसी, ठीक है, क्योंकि एज सच यार गाड़ी के शीशे यार तो तुम्हें पता ही है इतने गर्म हो जाते हैं, और फिर शीशों से अंदर जो धूप आती है वो और ज़्यादा गर्म कर देती है। अप टू कहते हैं कि 80 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए डैशबोर्ड पर यार कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस भी नहीं रखना चाहिए। तो यार मेरे को एक बात समझाओ कि यार गर्मी में हमें क्या करना चाहिए कि हमें एसी वाले के पास ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बैठते ही गाड़ी में ठंडक, ठीक है, और गाड़ी में बैठते ही ठंडक जब आएगी जब एसी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है। अराउंड 80 डिग्री को वापस 20 डिग्री के आसपास लाना, एसी को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हम चले जाते हैं यार गर्मी आते ही हम चले जाते हैं अपने एसी वाले मैकेनिक के पास, और एसी वाला मैकेनिक भाई बनाता है बड़ा सा बिल, ठीक है। तो भाई उसको कम करने के लिए भाई ले गया हूँ एक स्पेशल वीडियो कि भाई हम अपनी एसी की सर्विस कैसे कर सकते हैं। नमस्कार सबको, और मैं नमन वर्मा स्वागत करता हूँ भाई सबका एनवी ट्यूब की एक नई वीडियो पे, कि भाई एसी की कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स जो हम खुद कर सकते हैं घर पे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो और हमारा बिल ज़्यादा बड़ा ना है। तो भाई शुरू करते हैं। भाई एसी का यूनिट बता देता हूँ, गाड़ी का एसी थोड़ा अलग प्रिंसिपल पे चलता है, जैसा घर का एसी होता है वैसे ही इसमें एक आउटडोर कह लो, एक इसमें इंडोर होती है, और एक एयर फिल्टर होता है, ठीक है, और एसी के कंप्रेसर में होती है गैस। ये हो गया हमारा बेसिक सा सिस्टम, थोड़ा बहुत रफली आइडिया मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा साइड में, आपको समझ में आ पाए ताकि रफली आइडिया कैसे काम करता है। तो एसी का कंप्रेसर चलता है इंजन से, इंजन से वो पावर लेता है, और एसी का कंप्रेसर हवा को जो इसमें फ्रियोन होती है या फिर R34 या R32A जो भी आप गैस डालते हुए जो रेफ्रिजरेंट होता है, कूलेंट होता है, तो कूलेंट नहीं रेफ्रिजरेंट ही होता है, तो उसको जो आप डालते हो तो वो कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का काम ये है, तो कंप्रेस करता है तो उसमें हीट हो जाती है, वो हीट आती है बाहर कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर से फिर वो ठंडी होकर अंदर जाती है इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से हो जाती है वो गाड़ी को करती है ठंडा, पीछे लगा होता है ब्लोअर, और ब्लोअर से फिल्टर, फिल्टर से थ्रू हमारे पास हवा आती है ताकि हमारा जो इवेपोरेटर होता है वो गंदा ना हो, इसलिए वहाँ पे फिल्टर लगाना एक आवश्यक, एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट रहता है एसी का, कि फिल्टर ज़रूरी होता है एसी में, नहीं तो आपकी कॉइल जो होती है अंदर की, इसे कॉइल बोल दो इवेपोरेटर की, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमारे पास ये एक बेसिक सा आइडिया रहता है। तो हमारे पास मेजर सर्विसेज क्या होती है कि यार एक हमें बाहर ना जाना पड़े, ठीक है, बिल ना बनाना पड़े, सिंपल सी बात है। तो गाड़ी के आगे जो मैंने बताया था कंडेंसर होता है, ये रेडिएटर के भी आगे लगाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और हमारे डैशबोर्ड में एक होता है एयर फिल्टर, ठीक है, एसी का एक पार्ट है वो, तो आपने देखा होगा ये स्विफ्ट लेके आऊँ भाई गाड़ी, तो इसमें बताता हूँ कि अब चलते हैं भाई गाड़ी के पास और दिखाता हूँ कि भाई कहाँ है कंडेंसर, कहाँ है इवेपोरेटर, और कहाँ है इसका एयर फिल्टर, ठीक है। और मेन फंडा ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो अपनी ना, जैसे गाड़ी सर्विस करवाते हो धुलवाते हो, तो यहाँ से ना कंडेंसर के ऊपर ना पानी मरवा दिया करो, ज़्यादा तेज़ प्रेशर से नहीं, हल्के से थोड़े से तेज़ प्रेशर से, ताकि जो इसमें गंध हो, मच्छर वच्छर हो, अटके हो, वो निकल जाए, ठीक है। और हर एक गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक एयर फिल्टर होता है, अगर ठीक ठाक है तो वो झाड़ लो, नहीं तो वो चेंज ही रिप्लेसमेंट आप ले सकते हो। तो ये हो गया हमारे बेसिक स्टेप्स, और अब दिखाते हैं भाई प्रैक्टिकल करके कि कहाँ आपको ये काम करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं अपने भाई कंडेंसर की तरफ, कहाँ है कंडेंसर, बोनट खोल दिया है, पहले बिना बोनट खोले दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ ग्रिल सी दिख रही होगी, ना दिखे तो अभी बताओ, आप देख पा रहे हो जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं गंदे से फिन्स दिख रहे हैं, ये हमारा कंडेंसर होता है, एसी का कंडेंसर है, एसी का पार्ट है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके पीछे अपना रेडिएटर होता है। अब आपको खोल के दिखाते हैं, ये खोला, ये देखिए पीछे रेडिएटर है, आगे है एसी का कंडेंसर, और यहाँ पे देखो आप, ये इसका एच लिखा हुआ है, हाई हाई टेम्परेचर गैस आती है कंप्रेसर से, ये रहा कंप्रेसर जो इंजन से पावर लेता है। यहाँ जब हवा ठंडी होती है तब ये जाती है ठंडी हवा हमारे कार के कैबिन के अंदर, आप देख पा रहे हो गए ये कार के कैबिन के अंदर चला गया, तो इससे क्या होता है वो इवेपोरेटर में जाता है, ठीक है, हो गया ये, हम ना यहाँ से क्लियर करते हैं, और इवेपोरेटर में अब हम ले चलते हैं इवेपोरेटर पे। अब हर एक गाड़ी का अलग अलग जगह होता है इवेपोरेटर, किसी का इस साइड होता है तो किसी का उस साइड होता है,
डैशबोर्ड के अंदर ही होता है ताकि वेंट्स में हवा पाए। तो अब हम खोल के दिखाता हूँ इसको, आप देख सकते हैं कि भाई इवेपोरेटर है यहाँ पे, यही ये देखो ये ब्लोवर लगा हुआ, तो यहाँ से आ रही है ठंडी हवा, ये ब्लोवर है और वहाँ है इवेपोरेटर बीच में गई। तो भाई एयर फिल्टर दिखा देता हूँ, हर एक गाड़ी का भी यही होता है, मोस्टली गाड़ी का इस साइड ही होता है, बाकी ड्राइवर साइड होता है। ये रहा अपना एयर फिल्टर, ठीक है, एयर फिल्टर को आप निकालो पकड़ के ऐसे, और देखो ये कागज़ का होता है, इसको आप झाड़ लो तो बेटर है, पर ये देखो आप इसमें से लाइट निकलनी चाहिए थे ना, थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, डर्टी हो चुका है, तो इसको हम करेंगे क्लीन और झाड़ के आपको दिखाते हैं यार। जैसे कि ये खंबा है, खंबे पे हमने ये एयर फिल्टर लिया इस साइड से, देख रहे हो कितनी डस्ट निकल रही है, बस इसको ऐसे ही झाड़ना होता है, इससे ज़्यादा आप झाड़ नहीं सकते, अगर ज़्यादा गंदा है तो आप इसे चेंज कराना एक ऑप्शन रहेगा, वो बेस्ट रहेगा, बाकी काम चलाने के लिए आप इसको झाड़ सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। अब एयर फिल्टर झड़ने के बाद अब हम चलते हैं इसको अपनी गाड़ी में फिट करते हैं और एसी के देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा है पहले। अब इसको फिट करते हैं, आप एयर फ्लो ज़रूर देख लीजिए और अब देख लीजिए किस तरफ है। अब इसका ये रहा स्लॉट, ये भी वैसे साफ़ कर सकते हो आप अंदर से, ब्लोअर है इसके नीचे, कोई नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर ये हमने लगा दिया, ये गया हमारा एयर फिल्टर फिक्स, और साथ में हमारे पास इसके ये हैं जो इसका कवर आता है, तो आप इसको बिल्कुल लगाएं, भूले ना इसको, इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि फिर एयर फिल्टर काम ही नहीं करेगा अपना। और बस ये आपका फिट हो गया, इस हिसाब से फिट होगा, ये थोड़ा सा क्लमजी है हाँ, पर इस हिसाब से कोई भी कर सकता है, इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं इसको चेंज करना। और यहाँ हमारा भाई एयर फिल्टर फिक्स हो चुका है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ये थोड़े तार वार थोड़े साइड कर देता हूँ, हमें ये देना है अपना ये इसे क्या कहेंगे ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स का ये लॉक लगाया, और वैसे मेरे को इसमें तार भी डालने थे, चलो कोई नहीं इस हिसाब से रहेगा, और मैं इसमें मेरे को ये डालना था तो ये हो गया ख़त्म, इस हिसाब से अपना फिक्स्ड हो गया, नो इश्यूज़ विद दैट, इस हिसाब से अपनी गाड़ी ठीक हो जाती है। और रही बात एसी की, तो भाई एसी का फ्लो भी दिखा देते हैं, चेक करा देते हैं, और टेम्परेचर तो कैसे पता चलेगा, पर हाँ बिल्कुल नाइस एंड कोल्ड आपको एयर मिलेगी, बिकॉज अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एयर फिल्टर बिल्कुल साफ़ है। और रही बात कंडेंसर की, मेरा गाड़ी का कंडेंसर ठीक है, साफ़ सुथरा है, रखता हूँ मैं, जब भी धोता हूँ तो साफ़ करा लेता हूँ, बाकी अपना आप एक बार वहाँ पे पानी ज़रूर लगवा सकते हो अपने हिसाब से, और आप देख पा रहे हो कि फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये मेरा ऊपर एयर फिल्टर क्या कहते हैं नैपकिन भी लगा हुआ, ये भी हिल रहा है, ना यकीन हो तो आप देख सकते हो फ्लो कितना सही आ रहा है, और अगर मैं दोनों तरफ एक कर दूँ तो काफ़ी सही फ्लो आ रहा है, तो इस हिसाब से अपना फ्लो बेस्ट हो गया, गाड़ी के कूलिंग भी बढ़ गई। और मेरा एक रिकमेंडेशन है कि गाड़ी जैसे आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो 2 से 3 पे रखें, 4 पे करेंगे तो ज़्यादा डस्ट खींचता है, फिर वो आपका एयर फिल्टर ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, और तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो भाई इसी हिसाब से हम अपनी वीडियो को आज यहीं पे क्लियर करते हैं, और आपके पैसे बचा दिए हैं भाई एसी में, तो ये याद रखें, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करके जरूर जाना एनवी ट्यूब को। मैं नमन वर्मा भाई नई नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए।